बिहार में मेडिकल कॉलेज के पास स्थित घर से पति पत्नी और बच्चे का शव बरामद किया गया है। मरने वालों की पहचान हो गई है। घर में जिस तरह से शव पड़े मिले उससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक घर में एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें कर्ज से परेशान होने का जिक्र किया गया है। दरअसल पुलिस के अनुसार मनीष झा मोबाइल की दुकान चलाता था, वो कर्ज में डूबा था। ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष ने बच्चे की हत्या के बाद पत्नी के साथ आत्महत्या की हो, और दूसरी ओर घटनास्थल के हालात देखकर मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चे का शव बिस्तर पर पड़ा था जबकि पति और पत्नी का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था। घटनास्थल से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है जिसके अनुसार मनीष व्यापार में घाटा होने की वजह से कर्ज में डूबा हुआ था और इसी कारण से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की